हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपके कॉलेज में या फिर कहीं और, अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है और आप भी करना चाहते हैं क्रिक बॉज जैसे लाइव स्कोरिंग, तो ये वीडियो है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे लाइव स्कोरिंग कर पाओगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। फ्रेंड्स, ये ऐप है चौका, इसमें आप क्रिक बॉज जैसे ही लाइव स्कोरिंग कर पाओगे बहुत आसानी से। यहाँ स्कोरबोर्ड, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, ग्राफ्स सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि आप इंटरनेशनल मैचेस के अंदर देखते हो। तो सबसे पहले मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप एक अकाउंट बना लीजिए। मेरा एक अकाउंट पहले से है तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको दो टीम सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्कोरिंग करके उसका URL आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टीम का नाम एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप बाय नेम और चाहे तो आप फेसबुक से भी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू प्लेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब क्रिएट न्यू बाय नेम पे क्लिक करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। प्लेयर का नाम एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐड मोर प्लेयर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आपको सभी प्लेयर्स को ऐड करना है। सभी प्लेयर को ऐड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ होम ग्राउंड और लोकेशन ऐड करना है। ऐसे ही आपको एक ओपोजिट टीम भी ऐड करना है। दोनों टीम ऐड हो जाने के बाद होम और एवे दोनों टीम को सिलेक्ट करना है और सेव करना है। अब माय मैचेस के अंदर मैच को सिलेक्ट करना है और फिर टॉस के बारे में एंटर करना है, मतलब किसने टॉस जीता और वो बैट और फील्ड में से क्या चूज करा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके नीचे आपको ओवर भी एंटर करना है। यहाँ पर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर के साथ बॉलर का नाम एंटर करना है। बैट्समैन और बॉलर को सिलेक्ट करने के बाद स्कोरिंग करना है। यहाँ पर स्कोरिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ सिंगल, डबल, फोर, सिक्स, जीरो, नो बॉल, वाइड, बाई, आउट सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको बॉल बाय बॉल स्कोर एंटर करते जाना है। मान लीजिए नो बॉल पर बैट्समैन ने चौका मारा तो आपको नो बॉल और फोर दोनों ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद जाकर ओके पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, येलो कलर में है स्ट्राइकर, और आपको स्ट्राइकर को चेंज करना है तो आप प्लेयर के नाम के ऊपर बस टच कीजिए। ओवर कंप्लीट होने पर आपको न्यू बॉलर ऐड करना है। अगर आप यहां पर बॉल बाय बॉल स्कोर एंटर करेंगे तो वहां वेबसाइट पर भी स्कोर अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लाइव स्कोर को शेयर करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और शेयर का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके फेसबुक, व्हाट्सएप और कहीं पर भी आप इसे शेयर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक इंटरेस्टिंग ऐप चौका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज चंद सुमन साइनिंग आउट।